बिहार सरकार है इसमें युवाओं को नौकरी देना चाहती है, लेकिन हम चाहती नहीं है भाई, दे रही है, बोल तो रही है, नियुक्ति पत्र दे रही है, इतना दे रही है कि हम लोग मेरिट में आने के बाद भी रोड पर ठोकर खा रहे हैं। सरकार और आयोग दोनों क्या कर रही है, टॉम एंड जेरी का जो गेम होता है ना, वो खेल रही है और करेगी कुछ नहीं है ना, लोगों को बरगला रही है, छात्र को। ये कौन सी प्रक्रिया है जो बहाली पूरा करने में 8 साल का समय लग जाए, इस आयोग से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? मधान यात्रा में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमारे 5-5 को लेटर वहाँ पर पहुँचा गया है, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हाथ में लेटर दिए हैं जी, चिल्ला चिल्ला के दिए सर, हम लोग 2014 के अभ्यर्थी हैं सर, सीट खाली है सर, आयोग का कहना है कि सीएम का है, सीएम का आदेश आएगा तो आप लोग का बहाल हो जाएगा, आप आदेश दीजिए सर। हम भी नहीं दिए हैं, यहाँ पर बहुत सा बिहार का 3 जिला में जितने स्टूडेंट हैं बीएससी का, सभी लोग लेटर दिए मुख्यमंत्री को हाथ में। समाधान यात्रा का पोल यहीं पे खोल दिए। समाधान यात्रा मैम, समाधान यात्रा था, सिर्फ था, लेकिन कुछ कहाँ समाधान हुआ मैम, कुछ नहीं हुआ, ये सब ढकोसला था मैम। 8 साल से लोग एक ही बहाली में लगे हुए हैं, पागल की तरह घूम रहे हैं। आज हम लोग आए हैं विजय सिन्हा से मिलने के लिए कि विधानसभा में हम लोग का मुद्दा को उठाया जाए, हम लोग को कल्याण कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है और नियुक्ति पत्र का भरमार है, चले लेकिन फिर भी आज बीजेपी में कुछ ऐसे कैंडिडेट आए हुए हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। दरअसल ये बीएससी के अभ्यर्थी हैं जो 2014 में जो फॉर्म भरे थे उसके बाद इन लोगों के साथ तो परीक्षाएं पर परीक्षाएं होते गई, कई बार इन्होंने परीक्षा भी दिया, कैंसिल भी हुआ, फिर इन लोगों का जो वेरिफिकेशन हुआ उस समय भी मामला बहुत कुछ पेचीदा हुआ, फंसा, लेकिन अभी भी 1778 जो पद है वो खाली है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरिट में आकर भी इन्हें मेरिट ये नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। चलिए पूरा मामला हम इनसे ही जानते हैं। बहुत बार आप लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, बीएससी कार्यालय भी गए हैं, क्या हुआ अभी तक, आपका मामला कहाँ फंसा हुआ है? अभी तक मामला सरकार और बीएससी आयोग के अध्यक्ष के गलत नीति के कारण अभी भी मामला फंसा हुआ है। जब हमने आंदोलन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय से 8 बार से अधिक मिल चुके हैं, तब अध्यक्ष महोदय कहते थे कि समान प्रशासन का कहीं लिखित विवरण दे देते हैं तो हम आपका ज्वाइनिंग दे देते हैं, लेकिन अब मिलते हैं तब बायकॉट कर देते हैं, कहते हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आज जब हम 70 विधायक से लेटर लिखा कर करके मुख्यमंत्री के कार्यालय में, उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में जब देते हैं, उनका कोई संज्ञान नहीं लिया है, और यहाँ तक कि 1 महीना से ऊपर समाधान यात्रा चला, वह समाधान यात्रा नहीं था। आखिर क्या हुआ समाधान यात्रा में? एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमारे 5-5 को लेटर वहाँ पर पहुँचा गया है, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। जहाँ वो नीतीश कुमार गए थे समाधान यात्रा के लिए, हर जगह आप लोग हर जगह हमने, हमारे प्रत्येक जिला के लड़का इसमें है और प्रत्येक जिला के लड़का ने समाधान यात्रा में लेटर देने का काम किया है। लेटर देखे थे कि फाड़ फूड़ के फेंक दिए थे कि पहुँचा? नहीं नहीं, लेटर हाथ में भी लिए हैं, हाथ में भी लिए हैं और पढ़े भी हैं और यहाँ तक काम होगा। अब क्या होगा आज तक हम लोग इंतजार में हैं, इसलिए आज माननीय विपक्ष के नेता अभिजय सिन्हा जी से हम बहुत तरह से पूरा विश्वास के साथ आए हैं कि हमारे विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और हम लोग का काम होगा। चलिए, ये लोग बीजेपी कार्यालय इस वक्त मौजूद हैं और विजय सिन्हा जी यहाँ पर आए हुए हैं और ये लोग जाने हैं इसकी वजह से उनसे बात करने के लिए कि हमारा भी बात उठाएं, हमारी बात सुने, उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, हम बता रहे हैं कि बिहार, जैसे बिहार सरकार है इसमें युवाओं को नौकरी देना चाहती है, लेकिन हम चाहती नहीं है भाई, दे रही है, बोल तो रही है, नियुक्ति पत्र दे रही है, इतना दे रही है कि हम लोग मेरिट में आने के बाद भी रोड पर ठोकर खा रहे हैं। एक तो यहाँ की एग्जाम का सिलेबस एग्जाम होता है, फिर कैंसिल होता है, फिर होता है, 2014 का बहाली, हम लोग मेरिट में आ गए हैं, पीटी मेंस टाइपिंग डॉक्यूमेंट कराने के बाद मेरिट में आकर सीट खाली है, बहुत सारा सीट खाली है, तब भी हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। मतलब ये पंचवर्षीय योजना को भी पार कर है, इसको पंचवर्षीय योजना नहीं कर सकते, आप इसको 8 वर्षीय योजना कहिए। 8 वर्षीय भी कैसे बोले, कहेंगे अभी तक तो आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। 10 वर्षीय हो जाएगा फिर आगे जाके। ठीक है, सरकार और आयोग दोनों क्या कर रही है, टॉम एंड जेरी का जो गेम होता है ना, वो खेल रही है और करेगी कुछ नहीं है ना, लोगों को बरगला रही है, छात्र को। ये कौन सी प्रक्रिया है जो बहाली पूरा करने में 8 साल का समय लग जाए, इस आयोग से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप एक बहाली पूरा कर रहे हैं 8 साल में, कहाँ करने आया है? 8 साल से लोग एक ही बहाली में लगे हुए हैं, पागल की तरह घूम रहे हैं। आज हम लोग आए हैं विजय सिन्हा से मिलने के लिए कि विधानसभा में हम लोग का मुद्दा को उठाया जाए, हम लोग को कल्याण कीजिए। लग रहा है सुनेंगे, उम्मीद तो है, तब हम लोग आए हैं, उम्मीद है हम लोग को। जब आप लोग का ये हुआ था तो जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे उस समय ये भी सरकार में ही थी? हाँ, ये सरकार में थे, लेकिन अब विपक्ष में सरकार में। आप तेजस्वी यादव के दरवाजा खटखटाते थे, तेजस्वी आवाज तो क्लियरली कहते थे
कि अभी हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में रहेंगे तो आपका तुरंत काम हो जाएगा। और हम लोग तेजस्वी जी के आवास पे जाते हैं, कम से कम 8 से 10 बार गए होंगे। तो जी भी वही कहेंगे अभी सत्ता में आने दीजिए, देखिए क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। तो मिलने के लिए आज हम लोग आए हैं, विश्वास तो है कम से कम। हमको सर से बहुत उम्मीद है, हम लोगों को सर से ही हम लोगों का समस्या का समाधान। लेटर आप पहुंचाने गए थे समाधान यात्रा? जी मैं जी हाथ में लेटर जी हाथ में लेटर दिए हैं मैं जी, चिल्ला चिल्ला के दिए सर, हम लोग 2014 के अभ्यर्थी हैं सर, सीट खाली है सर। आयोग का कहना है कि सीएम कहे, सीएम का आदेश आएगा तो आप लोग का बहाल हो जाएगा, आप आदेश दीजिए सर। हम ही नहीं दिए हैं यहाँ पर, बहुत बिहार का 38 जिला में जितने स्टूडेंट है बीएससी का, सभी लोग लेटर दिए मुख्यमंत्री को हाथ में। समाधान यात्रा का पोल यहीं पे खोल दिए समाधान यात्रा में, समाधान यात्रा था सिर्फ था, लेकिन कुछ कहाँ समाधान हुआ मैम, कुछ नहीं हुआ, ये सब ढकोसला था मैम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2014 की यह वैकेंसी थी और आपने सुना ही, हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप लगातार देख ही रहे होंगे कि ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे और लगातार मैं भी इनका कवर कर रही थी, इनकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी सरकार के पास, लेकिन सरकार जो है इनकी आवाज़ सुन ही नहीं पा रही है। और समाधान यात्रा की अगर हम बात कर ले तो समाधान यात्रा के लिए जिला बाई जिला हर जगह नीतीश कुमार पहुँच रहे हैं और ये हर जगह कह रहे हैं कि हम लोग लेटर पहुंचा रहे हैं, उनके हाथ में दे रहे हैं और गिरगिरा के उन्हें बोल रहे हैं कि सर आप ही का बस साइन चाहिए, क्योंकि जो आयोग है वो कह रही है कि मुख्यमंत्री अगर ये कह देते हैं, मुख्यमंत्री अगर सिग्नेचर करते हैं तो आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये कैसा समाधान यात्रा था कि युवाओं की बात ही नहीं सुनी गई। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।